दोस्तों बाजार में अभी आपको पूरी तरीके से फियर जोन देखने को मिल रहा है, यानी कि बियर मार्केट बहुत ज्यादा हावी होते हुए देखने को मिल रहा है। और उसके पीछे का जो मेन रीजन देखने को मिल रहा है वो कोविड की सिचुएशन देखने को मिल रही है, यानी कि कोविड का जो डर है वो बाजार में बढ़ते जा रहा है। और जिस कारण से रिटेल इन्वेस्टर को लग रहा है कि अगेन 2020 जैसा क्रैश आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि कोविड के केसेस तो पहले भी आ रहे थे, तो अब इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस क्यों यहां पर देखने को मिल रही है? तो कोविड का जो नया वेरिएंट हमें देखने को मिल रहा है BF7, उसको लेकर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रही है, क्योंकि चाइना के अंदर लास्ट डे यानी कि कल के दिन सबसे ज्यादा अभी तक के पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा केसेस वहां पर नोट डाउन किए गए हैं, जिस कारण से पूरे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें एक फियर जोन देखने को मिल रहा है कोविड को लेकर। तो लेकिन यहां पर आज के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, ये जो नया वेरिएंट BF7 आपको देखने को मिल रहा है ये पिछले 2 साल से देखने को मिल रहा है, और अभी तक लगभग 91 नेशंस के अंदर ये जो वेरिएंट है ये फाउंड कर लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये देखने को मिल रही है कि यहां पर बड़ा डैमेज हमें इस वेरिएंट के कारण देखने को नहीं मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, BF7 variant behind the current wave has been in circulations for nearly 2 years and has not caused much damage according to Times of India। तो रिपोर्ट निकल कर आई है तो उससे यहां पर यह चीज हमें देखने को मिल रही है कि ये जो बियर मार्केट अभी आपको देखने को मिल रहा है, जो फियर जोन अभी आपको ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है, ये टेम्पररी बेसिस पर है, क्योंकि निफ्टी को लेकर अभी भी जो रिपोर्ट्स यहां पर निकल कर आ रही है, जो टारगेट यहां पर निकल कर आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी टू रैली 18% इन 2023, मैं हिट 21,500 टारगेट। तो यहां पर जो प्री इलेक्शन ईयर यानी कि थर्ड ईयर ऑफ डिकेड, यहां पर हमें निफ्टी के अंदर अगेन ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है, और 2023 में निफ्टी लगभग 18% के रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। जैसा कि आपको पता है अभी भी निफ्टी हमें ऑल टाइम हाई से रिवर्स होते हुए देखने को मिला है, और जैसे ये रिपोर्ट निकल कर आई है हमें काफी अच्छे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं 2023 के अंदर भी। लेकिन वहीं अनदर एक और एक्सपर्ट्स का मानना है, जिनका नाम भी आप देख सकते हैं, जय बाला, कि मार्केट क्रैश अ पार्ट ऑफ करेक्शन दैट स्टार्टेड इन अक्टूबर 2021 एंड निफ्टी में एंड बिलो जून लो ऑफ 15,100। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो गिरावट प्रिडिक्ट करी जा रही है ये काफी ज्यादा करी जा रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें काफी अच्छी रैली भी यहां पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। अब बात करें कि किस सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है और किन शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो आज ही के दिन कुछ देर पहले ये रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें इंडिया स्मार्टफोन मार्केट टू ग्रो 10% इन 2023। तो यहां पर काफी शानदार रिपोर्ट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि स्मार्टफोन का जो मार्केट है उसमें 2023 में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस साल की बात करें तो इस साल स्मार्टफोन के मार्केट में हमें 5% की गिरावट देखने को मिली है। जैसे ही यहां पर 5G लॉन्च हुआ है रिसेंटली, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर 5G की सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया है, तो अब यहां पर इस रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है 2023 में जितने भी यूजर्स है स्मार्टफोन के वो अपने फोन को अपग्रेड करेंगे 5G के अंदर, जिस कारण से यहां पर 5G के कारण यहां पर जो स्मार्टफोन का मार्केट है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और जब भी स्मार्टफोन के मार्केट की बात निकल कर आती है, इंडिया की मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज का नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। आज के दिन हमें डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर अगेन 3.8% की गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले 1 महीने के अंदर शेयर 18% से भी ज्यादा क्रैश हो चुका है। तो बात करें कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर आप 3200 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी खरीदारी को करते हुए चल सकते हैं, और साथ ही साथ यहां पर शॉर्ट टर्म टारगेट 3500 रुपए तक का भी आप सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी एक लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पर्पज से अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर्स को एड करते हुए चल सकते हैं। लेकिन स्मार्टफोन की जब भी बात निकल कर आती है और साथ ही साथ 5G सर्विसेज की जब भी बात निकल कर आती है, रिलायंस इंडस्ट्री को भी आप अपने पिक पर रख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर भी आज के दिन 2.6% से क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 का सबसे
मार्केट लीडर स्टॉक्स भी हमें पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर लगभग 8% से भी ज्यादा क्रैश होते हुए देखने को मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं इसी से हमें एक प्रिडिक्शन देखने को मिलता है कि मार्केट में कोविड का फियर कितना ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप दो स्टॉक्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं, और अगर आप पोजीशंस बनाने का मन बना रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।